यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं प्रोफाउंड मांगा की एक नई मांगा जिसका नाम अगेंस्ट ऑफ द गॉड है। हालांकि ये मांगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है लेकिन इसके स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर कुछ थोड़े बहुत बोरिंग आपको लगेंगे, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर कट करके दिखाऊंगा इन अ शॉर्ट वे। सो बातें करते हैं बंद और चालू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में होती है और उसका नाम प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट होता है। और उसी कॉन्टिनेंट में हमें एक फैमिली का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम जियाओ फैमिली होता है। और इसी फैमिली के अंदर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम जियाओ ची है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है क्योंकि आज उसकी शादी है एक ऐसी लड़की के साथ जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की टॉप ब्यूटी है और बहुत ज्यादा टेंशन में सोच रहा होता है। जिया क्विंग यू इस कॉन्टिनेंट की टॉप ब्यूटी है और टॉप टैलेंटेड जीनियस है। ये मैं अपना गुड लक समझू या उसका बैड लक कि वो ऐसे लड़के के साथ शादी करने जा रही है जिसका खुद का कोई वजूद नहीं, जिसकी प्रोफाउंड मेरिडियंस पैदाइशी डैमेज है। इसके बाद सीन चेंज होकर फैमिली के मेंशन के कोर्टयार्ड में आता है जहाँ पे हमें दो लोगों का सीन दिखाया जाता है और वो लोग कोई और नहीं जियाओ ची के खुद के कजन होते हैं और वो लोग जियाओ ची को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं पर हमें सबसे बड़े कजन को दिखाया जाता है जिसका नाम यूनलोंग होता है। यूनलोंग जियाओ ची को मारने की इसलिए कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जियाओ ची जिया कुंगयू से शादी करे क्योंकि वो खुद जिया कुंगयू से शादी करना चाहता है। इसलिए ब्रदर यूनलोंग जियाओ यन के द्वारा लाए हुए पॉइजन पाउडर को जियाओ ची के सूप में डाल देता है और वो सूप एक लड़की को देता है जिसका नाम लिंग शाओ होता है। और लिंग शाओ ब्रदर लोंग की इंटेंशन जान नहीं पाती है और अनजाने में वो सूप जियाओ ची को दे देती है। और इसका रिश्ता जियाओ ची के साथ क्या है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और वहीं पर जियाओ ची जिसने उस पॉइजन सूप को पी लिया होता है उसको अपनी बॉडी में कुछ अलग फील हो रहा होता है और उसका सर घूमने लगता है और इस वजह से जियाओ ची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है थोड़ी देर बाद मेरी शादी है और मेरी तबीयत को अभी खराब होना था। और थोड़ी देर बाद वहीं पे पड़े एक टेबल पर बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं पर सीन चेंज होकर एक दूसरे वर्ल्ड पर अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हमें एक रोते हुए बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कोई और नहीं हमारा जियाओ ची होता है जिसका री इनकार्नेशन हुआ होता है इस वर्ल्ड में। तभी हमें एक ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है जो उस रास्ते से गुजर रहा होता है लेकिन तभी उसकी नजर उस रास्ते पर बड़े रोते हुए बच्चे पर पड़ती है और तभी वो ओल्ड मैन उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है। पता नहीं क्यों लोग इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे को अबैंडन कर देते हैं। और वो ओल्ड मैन उस बच्चे से बात करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारी फेट थी कि तुम मुझसे मिले, इसलिए इस ब्यूटीफुल स्काई और इस साफ पानी को देखते हुए मैं तुम्हारा नाम यून ची रखता हूँ। सो ऑल ऑफ यू नोट दिस नेम इन योर माइंड बिकॉज इस सीरीज में ये नेम रिपीट होगा अभी नहीं कुछ एपिसोड्स के बाद। मैं आपको इस ओल्ड मैन के बारे में बताता हूँ। ये एक मार्शल फिजिशियन है। फिजिशियन एक तरीके के एल्केमिस्ट और डॉक्टर होते हैं जो अपनी मेडिसिन से लोगों की जान बचाते हैं। ओल्ड मैन के ये कहने के बाद समय बदलता है और हमें 24 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट को जो पहले इतनी हरी भरी थी वही कॉन्टिनेंट लोगों की लाश और पॉइजन से घिरी हुई थी। और जहाँ पर इंसान और क्रिएचर पॉइजन की वजह से मर रहे होते हैं वहीं पर हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और वो अपनी इंजरी लेकर वहीं से गुजर रहा होता है। और वो इतना इंजर्ड इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो आदमी बोलता है कि तुम सभी लोग मेरे मास्टर को कंपनी दोगे जाके उनकी डेथ में। सो भाइयों जो आप सोच रहे हो वो सही है, ये हमारा जियाओ ची है जो अभी 24 साल का हो गया है इस रिनकार्नेटेड वर्ल्ड में। और तभी जियाओ ची एक हील को देखते हुए बोलता है चलो वहां पर जाते हैं और खत्म करते हैं ये सब। और जियाओ ची इंजर्ड होते हुए उस हील के कॉर्नर पर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वो सारे लोग जो जियाओ ची का पीछा कर रहे होते हैं वो भी वहीं पे पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं तुमने सच में स्काई पॉइजन पर्ल का यूज करते हुए मिलियंस में लिविंग क्रिएचर्स को मार दिया है, तुमको लगता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो ये सब करने के बाद भी, और आज सेवन ग्रेटेस्ट सेक्ट इंसाफ करेगा हमारे लिए। लेकिन तभी जियाओ ची गुस्से में आकर बोलता है नाटक करना बंद करो, तुम लोगों के मुंह से जस्टिस की बात शोभा नहीं देती। और अपने हाथों में स्काई पॉइजन पर्ल को निकालते हुए बोलता है यही है ना जो तुम लोग ढूंढ रहे हो। और स्काई पॉइजन पर्ल को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि उस पर्ल को हमें वापस कर दो। स्काई पॉइजन पर्ल अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का टॉप ट्रेजर है, तुम्हारा जैसा कोई उस ट्रेजर को डिजर्व नहीं करता।
लेकिन तभी हमें ज़ियाउची का सीन दिखाया जाता है जिसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो बोलता है, मेरे मास्टर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मेडिसिन को सीखने में और उन्होंने अनगिनत जानों को बचाया है, और तुम लोगों ने उनको मार दिया सिर्फ और सिर्फ इस पर्ल के लिए, और तुम लोगों को अभी भी लगता है कि मैं ये पर्ल तुम लोगों को दूंगा। तो स्काई पॉइजन पर्ल को अपने मुंह में रखकर डायरेक्ट गटक जाता है और हंसते हुए उस क्लिप से छलांग लगा देता है, और उस क्लिप से नीचे गिरते हुए उसके गले में जो लॉकेट होता है वो चमकने लगता है और वो रीइंकार्नेट होकर वापस उसी वर्ल्ड में आ जाता है जिस वर्ल्ड में उसको पॉइजन देकर मारा गया था। वापस उसी वर्ल्ड में आ जाता है। सो, इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां से ज़ियाउची हमारा रिनकार्नेट होकर इस वर्ल्ड में आता है, और ज़ियाउची वहां पर जैसे ही होश में आता है एक लड़की उससे रिपट कर रोना चालू कर देती है जिस लड़की ने उसको गलती से पॉइजन दे दिया था, और वो रोते हुए कहती है भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर हमारा ज़ियाउची लिंग शेव को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि आप कौन हो प्रिटी लेडी, और लिंग शियाओ उसको समझने में देर नहीं लगती कि ज़ियाउची हमारा सारी मेमोरी लॉस कर चुका है। तभी लिंग शियाओ बहुत ज्यादा हैरान होकर और चिल्लाते हुए हमारे ज़ियाउची से बोलती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो, मैं तुम्हारी आंट ज़ियाओ लिंग शियाओ हूँ, क्या तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हो या तुम्हारी तबीयत खराब है। पर तभी ज़ियाउची के ब्रेन में ज़ियाउची को किसी तरीके का शॉक महसूस होता है और उसको लगता है कि उसकी सारी मेमोरी वापस रीगेन होना चालू हो गई है और उसको सारी अपनी पिछली बीती हुई बातें याद आना चालू हो जाती हैं। और तभी ज़ियाउची लिंग शियाओ का नाम लेते हुए कहता है, अरे हाँ आप मेरी आंट हो, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। सो हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी युनची की आंट है, और जिन लोगों ने सोचा था ये युनची की लवर है उनसे मैं आगे मिलूंगा, और हाँ एक और बात, ये युनची की आंट होकर भी नहीं है। हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लेकिन मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्योंकि मज़ा किरकिरा हो जाएगा, तो मैं वीडियो के आगे में कुछ डिटेल दे दूंगा। टॉपिक पे आते हैं, और तभी हमारा ज़ियाउची बोलता है, अरे हाँ मुझे सब याद आ गया, हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, हम लोग साथ में खेलते थे, यहाँ तक हम लोग साथ में नहाते भी थे जब हम 12 साल के थे, और हाँ आपके बट पे जो है एक तिल है। पर ज़ियाउची की ऐसी बात सुनकर लिंग शियाओ बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम ऐसे कैसे हमारे सीक्रेट बाहर निकाल सकते हो, और वैसे भी वो सब बहुत ज़्यादा पुरानी बातें हो चुकी हैं। तभी लिंग शियाओ शांत होते हुए बोलती है, वैसे भी ये तुम्हारा वेडिंग डे है और अपने वेडिंग डे के दिन तुम एकदम से बेहोश हो गए थे, हमारे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए वरी थे। लिंग शियाओ वहाँ से निकलते हुए बोलती है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं ग्रैंडफादर को बता कर आती हूँ कि तुम वापस होश में आ गए हो, वो तुमसे मिले आके। और तभी हमारा ज़ियाउची बोलता है कि मैं ज़ियाउची हूँ और ये ज़िया फैमिली है, ये दिन वो दिन है जिस दिन मेरी शादी होनी थी ज़िया क्यूग्यू से। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में क्लिफ से कूदकर अपनी जान ले ली थी, या फिर ये हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। और तभी ज़ियाउची की नज़र उसके हाथ पर जाती है और अपने हाथ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, जो कुछ भी हुआ अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में वो सब सिर्फ एक सपना नहीं था, और अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं अभी भी मेरे पास मेरी मेडिसिन स्किल्स हैं, और वो जो स्काई पॉइजन पर्ल अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में मेरे पास था वो अब मेरी बॉडी के साथ फ्यूज हो चुका है। पर तभी ज़ियाउची को कुछ स्ट्रेंज फील होता है और कहता है, ये क्या है। और तभी ज़ियाउची अपने लिप्स को लिक करता है और अपने लिप्स को लिक करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है, यहाँ पर मेरे लिप्स पर पॉइजन का मुझे टेस्ट आ रहा है और मेरी मेडिसिन स्किल के हिसाब से ये एक किलिंग पाउडर पॉइजन है। अपने पास में पड़े टूटे हुए उसी बर्तन को देखता है जिस बर्तन में पॉइजन था, और वो बोलता है, एक पॉइजन अटेम्प्ट किया गया है मुझे मारने के लिए। और जमीन पर पड़े टूटे हुए बर्तन को देख के बोलता है कि मैं पहले से मर चुका था, मैं वापस रिइंकार्नेट हूँ अपनी पहली लाइफ में, और मेरी बॉडी में जो पॉइजन था उसको स्काई पॉइजन पर्ल ने रिइंकार्नेशन के बाद तुरंत ही नलीफाई कर दिया था। और वो बोलता है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और उलझा देने वाला है, मेरी इस वर्ल्ड में डेथ होने के बाद मैं अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में रिइंकार्नेट हुआ, और अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में मेरी डेथ होने के बाद मैं वापस रिइंकार्नेट होकर उसी वर्ल्ड में आ गया हूँ जिस वर्ल्ड में मेरी पहली बार पॉइजन से डेथ हुई थी। और बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और अपने मन से शांत होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, जबकि मुझे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिलने जा रही है, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी ज़ियाउची के रूम के बाहर से ज़ियाउची के दादाजी की आवाज़ आती है कि ज़ियाउची तुम ठीक तो हो,
तुमको क्या हो गया था? राव जी को दौड़कर गले लगा लेते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, तुम अचानक से बेहोश हो गए थे। जी बोलता है, मैं ठीक हूँ दादाजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिंग शियाओ अपने दादाजी से बोलती है कि दादाजी आप जियाओ जी को जाने दीजिए, उसको प्रिपरेशन करनी है, उसकी आज शादी है और उसको रिसीव करने जाना है अपनी वाइफ को, सो डिले मत कीजिए। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, हाँ हाँ जी, तुमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसे निकलते वक्त भी जियाओ जी की नज़र उस टूटे हुए बाउल पर थी। अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ऐसा कौन है इस फैमिली में जो मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है। तभी श्याओ की नज़र भी उस टूटे हुए बर्तन पर पहुंच जाती है और वो कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई इसको साफ करना। तभी जियाओ जी से लिंगशाओ पूछती है कि ब्रदर यिनलोंग का सूप जियाओ जी वैसे टेस्ट में कैसा था? और तभी जियाओ जी यिनलोंग का नाम सुनते हुए शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ये सूप यिनलोंग ने भेजा था? लिंगशाओ बोलती है, हाँ ब्रदर यिनलोंग ने कहा था कि तुमको न्यूट्रिशंस की जरूरत है और ये स्पेशल सूप है जो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी रिकवरी में। तभी जियाओ जी स्माइल देते हुए बोलता है, तुम मुझे इस वर्ल्ड में मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई था। सो फ्रेंड्स, वीडियो का करता हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि चैप्टर हो गया खत्म। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकेगा तो होगी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सभी पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। चलिए तो फिर बातें करते हैं बंद और चलते हैं अपनी फैंटेसी में। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें मिस्टिक एनर्जी के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर मिस्टिक एनर्जी का क्या काम होता है और ये क्या होती है मिस्टिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो हम मिस्टिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं वो मिस्टिक मेरिडियन से आती है और लगभग यहाँ पर इस वर्ल्ड में सबके पास मिस्टिक मेरिडियंस हैं। और यहाँ पर जिसके पास मिस्टिक मेरिडियंस होती हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पर जिन इंसानों के पास मिस्टिक मेरिडियंस होती हैं वो अपने हाथों में मिस्टिक एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी हार्ड या फिर किसी भी पेड़ को एक सिंगल ही हैंड में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर इस वर्ल्ड में जिस इंसान के पास मिस्टिक मेरिडियंस नहीं होती है या मान लो मिस्टिक एनर्जी नहीं होती है, उन इंसानों की इस वर्ल्ड में कोई औकात नहीं है। क्योंकि जिन इंसान के पास मिस्टिक एनर्जी नहीं होती है वो इंसान मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, यहाँ तक वो एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज़्यादा वीक होते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है मिस्टिक एनर्जी को, इसको 10 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। बिगनर मिस्टिक, इनिशिएट मिस्टिक, ट्रू मिस्टिक, स्पिरिट मिस्टिक, अर्थ मिस्टिक, हेवन मिस्टिक, एम्परर मिस्टिक, डोमेन मिस्टिक एंड मास्टर मिस्टिक। और लास्ट में आते हैं द गॉड्स। यहाँ पर इस टियानजुआन कंट्री में जो मिस्टिक एनर्जी है वही सब कुछ है। यहाँ पर जो मिस्टिक एनर्जी के लेवल्स है वो इंसान की पावर्स को और उसके स्टैंडर्ड को दिखाते हैं। जो जितना पावरफुल उसका उतना ही बड़ा बैकग्राउंड और उसका उतना ही बड़ा स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो स्ट्रांग है वो बहुत लोगों के द्वारा फॉलो भी किया जाता है और जो वीक है वो हमेशा उनके पैरों की तरह रहते हैं। और इसके बाद नरेटर अपनी बकवास बंद कर स्टोरी चालू करता है और स्टोरी चालू होती है अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट्स। और वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने सुना आज जियाओ फैमिली से जियाओ ची की शादी का दिन है? और उसमें से एक बोलता है, क्या वही जियाओ ची जो मिस्टिक एनर्जी को कल्टीवेट नहीं कर सकता, वही कचड़ा? क्या सच में जिया कुंग्यू उसको लाइक करती है? तभी दूसरा बोलता है कि नहीं, 5 साल पहले जियाओ ची के फादर ने जिया कुंग्यू की जान बचाई थी, तो उनका एहसान उतारने के लिए जियाओ ची के साथ वो शादी कर रही है। भी बंदा अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, काश मेरे पास भी ऐसे फादर होते हैं। अभी वहाँ पर एक बुड्ढा जाता है और वो अपनी बढ़ाई करते हुए बोलता है कि मैं बिगनर मिस्टिक के 3rd लेवल पर हूँ और मेरे एक ही फाड़ से वो जियाउची सफोकेट कर मर जाएगा। और वो सभी लोग वहीं पे खड़े होकर जियाउची का मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। सीन चेंज होकर जियाओ फैमिली पर रहती है, जहाँ पर जियाओ लिंगशियाओ जियाउची को तैयार कर रही थी उसकी वेडिंग के लिए और उससे बोलती है कि तुम किसी भी लोगों की बात पर ध्यान न देना जब तुम अपनी वाइफ को शादी कर यहाँ पर जियाओ फैमिली में लेके आ रहे होगे। उन बेवकूफ लोगों को कुछ भी नहीं पता, तुम मेरी नजरों में बेस्ट थे, बेस्ट हो और हमेशा बेस्ट ही रहोगे। और हमारा जियाउची बोलता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे एक ट्रैश बोलेंगे और मुझे उनकी बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बाहर से उनको गार्ड बुलाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और वहीं से निकलते हुए जियाउची अपने मन में सोच ही रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरी जो मिस्टिक मेरिडियंस हैं वो पूरी तरीके से डैमेज थी और मैं बहुत ज़्यादा वीक था, और रीइंकार्नेशन के बाद मेरी सेकेंड लाइफ में मेरे पास जो मेडिसिन स्किल थी वो मेरे पास अब भी है क्योंकि मैं डिवाइन फिजिशियन का एक डिसाइपल था। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं अपनी मेरिडियंस हील कर लूँगा और एक सुप्रीम बीम बनूंगा। और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में एकदम यंग प्रिंस माफिक अपने मेंशन से निकल रहा होता है और मेंशन से बाहर निकलते ही उसको कुछ दिखता है और उसको देखकर वो उसकी आंखें फटके बाहर आ जाती हैं और बोलता है, ये क्या है?
और बोलता है, ये किस तरीके का मजाक हो रहा है मेरे साथ? तुमको लोगों को क्या लगता है मैं इनको लेके जाऊंगा अपनी वेडिंग में अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए? और वो तभी वहाँ पर जावियन आ जाता है और बोलता है, ये स्पेशली स्कॉट टीम मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, तुमको ये कैसी लगी? तो ये जियाओयन वही है जिसने जियाओ ची को मारने के लिए यूंग लॉन्ग को पॉइजन ला के दिया था, वो पॉइजन पाउडर। पर तभी जियाओ ची बोलता है, ब्रदर जियाओयन, क्या आप कोई 5 गुड लुकिंग लोगों को मेरे साथ नहीं भेज सकते? इतने ज़्यादा डरावने लोगों को मेरे साथ भेजने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पर जियाओयन बोलता है, मुझे लगता है जियाओ ची तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम आज के दिन के लीडिंग कैरेक्टर हो, इन लोगों के बिना तुम कैसे दिखाओगे कि तुम इतने गुड लुकिंग गाय हो? और तभी जियाउची बोलता है, मुझे लगता है बड़े भाई आपको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को गुड लुकिंग दिखाने के लिए, जो कि मैं हूँ वो मुझे पता है। तभी उनमें से एक बोलता है, मास्टर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा देर हो गई है, हमने आपका घोड़ा तैयार कर दिया है, आपको हमें लगता है निकलना चाहिए। पर तभी जियाउची अपने घोड़े की तरफ देखता है और बोलता है, क्या ये सच में घोड़ा है? पर तभी लिंग शियाओ जियाओयन पे चिल्लाना चालू कर देती है और बोलती है कि जियाओयन, ये तुमने जियाउची की वेडिंग के लिए एक गधा तैयार किया, क्या तुम्हारी आंखों में मेरा फादर का डर और मेरी रिस्पेक्ट एक तरीके से खत्म हो चुकी है? पर तभी जियाओयन अपने डिफेंड में बोलता है कि आप कैसी बात कर रही हैं लिंग शियाओ, 5th एल्डर इस सिटी के टॉप एक्सपर्ट हैं, मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं उनकी बेइज्जती कर कर उनको ऑफेंड करूँ? पर तभी लिंग शियाओ चिल्लाते हुए बोलती है, अब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब जियाओची अपनी वाइफ को लेने के लिए एक गधे पर बैठ के जाएगा? पर तभी जियाओयन बहाना बनाते हुए बोलता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि हमारे पास जो हॉर्स हैं उनका पेट आज कुछ खराब है, मेरी कोई गलती नहीं है। पर तभी वहाँ पर युलोंग आ जाता है और बोलता है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? पर तभी जियाओयन उसके पास भागते हुए चला जाता है और बोलता है, ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और युलोंग रिस्पॉन्स देते हुए बोलता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने तुम लोगों को बहस करते हुए देखा, इसलिए मैं यहाँ पे आ। पर जियाओयन बोलता है, बड़े भाई ये बहुत ज्यादा छोटा सा इशू है, मुझे लगता है आपको इस इशू में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और जियाओयन भी बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए बात को वहीं पर दबा देता है और बोलता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, हमारे यहाँ पर घोड़े के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस डंकी पर भी राइड करके चला जाऊंगा। और युनलोंग भी अपनी झूठी चिंता दिखाते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना इतनी ज्यादा दिक्कत के लिए ब्रदर। जियाओची भी बोलता है, कोई बात नहीं है बड़े भाई, मेरी वाइफ के लिए कुछ भी, आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और युन लॉग भी वहाँ पर हंसने लगता है और वहाँ से निकलते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी वाइफ को सही सलामत वापस हमारी फैमिली में लेके आ जाओ जल्दी से जल्दी, और मुझे लगता है कि तुम्हें देर हो रही है इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ। और पीछे से श्याओ बोलती है, जी ये तुम क्या कर रहे हो? हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये वो जियाओयन तुम्हें बुली कर रहा है, मैं ग्रैंडपा के पास जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं जाकर उन्हें सब बता दूंगी जो यहाँ पर हुआ। और पीछे से जियाओ ची लिंग शियाओ को रोकते हुए बोलता है, जो ये मैटर बढ़ता जाएगा तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर नहीं ला पाऊंगा। देखिए आंट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और जियाओ ची भी वहां से निकल जाता है अपनी वाइफ को लेने के लिए। पीछे से लिंग शियाओ ची को देख रही होती है और एकदम से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, ची के इतने बड़े दिन पर मुझे तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, मुझे तो खुश होना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अभी रो दूंगी। और सीन चेंज होकर जियाओ ची पे आता है जो जा रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अगर जो आप मेरी आंट ना होती तो शायद। और जियाओयन और युनलोंग भी उसको अपने रूम की बालकनी से देख रहे होते हैं, एकदम से युनलोंग पीछे घूमकर जियाओयन के एक खतरनाक पंच रख देता है और वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और युनलोंग गुस्से में बोलता है, क्या तुमने कहा नहीं था कि उस पॉइजन पाउडर को कंज्यूम करते ही वो ची मर जाएगा? पर जियाओ ची तो अभी भी जिंदा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं अगेंस्ट द सुप्रीम गॉड का 4th एपिसोड। अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युन लॉन्ग ने जियाओ ची को पंच मारा था जिसकी वजह से जियाओ ची जमीन पर गिर गया था और बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था। और यहीं पे वीडियो की स्टार्टिंग होती है और जियाओयन बोलता है कि भाई मुझे सच में नहीं पता कि वो कैसे बच गया, मैंने तो आपके सामने ही उसको पॉइजन दिया था, आप भी वहीं थे, और मेरे पॉइजन देने के बाद लगभग वो मर गया था, लेकिन एकदम से वो पता नहीं कैसे उठकर बैठ गया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप मुझे माफ कर दो। और उसकी ये बात सुनकर युनलोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या, क्या मैं उस गधे को कुंग्यू से शादी करते हुए देखूं और कुछ भी ना करूं? और युनलोंग को इतना गुस्से में आता देख जियाओयन बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर रास्ते में हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे, हम जियाओ ची से जिया कुंग्यू को छीन लेंगे।
और जियाओयन की बात सुनकर जिनलोंग बोलता है, और अगर जो ये इतना ही इजी होता मैं कब का ये सब कर चुका होता। यहाँ पे सबको पता है कि जियाओ जी एक नंबर का कचरा है, लेकिन उसके दादाजी जियाली प्रोफाउंड स्पिरिट रियलम के लेवल 10 के एक्सपर्ट हैं। यहाँ तक इस पूरी सिटी में उनके बराबर का कोई नहीं है। वो बुढ़ा जियाओ जी के आसपास है तब तक हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, और गुस्से में ये बोलते हुए पिलर पर पंच करता है, जिसकी वजह से जियाओयन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी जियाओयन अपना खुराफाती दिमाग चलाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, भाई अभी भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा। अगर जो मेरे नजरिए से देखो तो जिया कुंग्यू इस सिटी की टॉप ब्यूटीफुल लड़की है, और अगर जो वो जियाओ जी से शादी भी कर ले और वो भी एक एहसान के बदले, और जहाँ तक उसका स्टेटस है वो जियाओ जी को अपने आप को छूने तक नहीं देगी, और अगर जो हम पूरी सिटी को भी दिया लेकर ढूंढे तो हमें आपके जैसा टैलेंटेड और गुड लुकिंग लड़का नहीं मिलेगा जो जिया कुंग्यू से शादी करने के लायक हो। सिर्फ आप ही हो जो जिया कुंग्यू से शादी करने के लायक हो। और क्या हुआ कि जियाओ जी ने जिया कुंग्यू से शादी भी कर ली, वो इस सिटी में जिया कुंग्यू को आप ही के लिए लेके आ रहा है, और जब वक्त आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको जिया कुंग्यू से ज्यादा बात करनी है, और आपकी कैपेबिलिटी के साथ ये बहुत इजी भी हो जाएगा कि आप जिया कुंग्यू को फटा लो, और ये जब होगा तब जियाओ ची की वाइफ आपकी वाइफ बन जाएगी। और उसकी ये बात सुनकर युनलोंग बोलता है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो और भी अच्छा हुआ कि वो गधे का बच्चा पॉइजन से मरा नहीं। और सीन चेंज होकर जियाओ ची पे आती है, जो अपने गधे पर अपनी वाइफ को लेने के लिए जा रहा होता है और सिटी में पहुंच भी जाता है। वहां पर पहुंचते साथ ही लोगों ने जियाओ ची का मजाक उड़ाना चालू कर दिया होता है, और उनमें से कुछ बोलते हैं, ये इंसान सच में एक गधे के ऊपर बैठा हुआ है, ये गधा इसके स्टेटस पे भी सूट कर रहा है, कमजोर यंग मास्टर। और अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर जियाओ ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और अपने गार्ड से कहकर उनको सबक सिखाने के लिए बोलता है, और उसके गार्ड बड़े घिनौने अंदाज में उनको सबको सबक सिखाना चालू कर देते हैं, और अपने मुंह से गंदी सी बास निकालते हुए उनको सबको भगाने लगते हैं वहीं से, और उनके मुंह से इतनी गंदी बदबू सूंघकर वो डिसाइपल उल्टी करना चालू कर देते हैं, और उन गार्ड से रुकने की भीख मांगने लगते हैं। जियाओ ची से भी कहते हैं कि जियाओ ची प्लीज हमें माफ कर दो, और वहीं पे खड़ा जियाओ ची उनको सबको इग्नोर कर रहा होता है और बोलता है, उंगली पहले तुमने की थी मैंने नहीं, अब उंगली करने का शौक चढ़ा है तो भुगतना भी तो पड़ेगा। और वहां से निकलते हुए अपने वाइफ की फैमिली में पहुंच जाता है, जहां पर रेड कारपेट में सब उसका वेट कर रहे होते हैं। वहां पर पहुंचकर अपने घोड़े से उतरता ही है, पर तभी जियाओ ची को कोई जीजा जी कहके बुलाता है, जिसकी आवाज सुनकर जियाओ ची की भी हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। और तभी एक बड़ा सा आदमी जियाओ ची को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, जीजा जी आप आज पूरी विधि विधान से मेरे जीजा जी बन जाओगे। जियाओ ची अपना मुंह फाड़ते हुए रुकने को बोलता ही है, पर तब पर युनबा उसको अपने गले से जकड़ लेता है, और उसकी बाहों में फंसा जियाओ ची अपने आप को छोड़ने के लिए बोल रहा होता है और कहता है, युनबा मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारी बहन शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। जियाओ ची की हालत देख कर युनबा उसको छोड़ देता है और बोलता है, जीजा जी मुझे माफ करना मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया था। और युनची अपनी हालत सुधारते हुए बोलता है, युनबा अगली बार थोड़ा उत्तेजित कम होना वरना तुम्हारे इतने ज्यादा प्यार को मेरी बॉडी झेल नहीं पाएगी। तभी वहां पर जिया कुंग्यू के पापा जिया होंग आ जाते हैं, और इनको देखकर जियाओ ची फादर इन लॉ कहकर उनको ग्रीट करता है। जिया कुंग्यू के फादर उसको उसके कंधे से पकड़कर उठा लेते हैं और बोलते हैं, ची आज मैं अपनी इज्जत को तुम्हें सौंप रहा हूं, इसका ख्याल रखना, और मुझे मालूम है जियाओ ची कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो, पर तुम्हारे पिता जियाओ यिन एक हीरो थे और तुम उसके बेटे हो, इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम एक दिन बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान बनोगे। और उसकी ये बात सुनकर जियाओ ची बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने ससुर जी को बोलता है, फादर इन लॉ मुझे सब लोगों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाया है, और आपकी ये बात सुनकर मुझे एक नई होप मिली है, मैं वादा करता हूँ जब वक्त आएगा तब कोई लोग भी मुझे अपनी नीची नजरों से नहीं देखेगा। और जियाओ ची की बातें सुनकर उसके फादर इन लॉ स्माइल करते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छे मुझे तुम पे भरोसा है कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारा पोटेंशियल देखेगी और वो दिन तुम्हारा ह्यूमिलेशन का आखिरी दिन होगा। और तभी अपने सर्वेंट से कहकर जिया कुंग्यू को बाहर लाने के लिए बोलते हैं, और उसकी सर्वेंट उसको बाहर लेकर आ जाती हैं। सो दोस्तों वीडियो को करता हूं मैं यहीं पे एंड, अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कुंग्यू के फादर ने अपने सर्वेंट से कहकर कुंग्यू को अपने बाहर लाने के लिए बोला था, और उनकी बात सुनकर उनके सर्वेंट कुंग्यू को लेके भी वहां पर आ जाते हैं। सो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुंग्यू को जियाओ ची अपने हाथों से पकड़कर वहां से निजाने लगता है, पर जैसे ही जियाओ ची कुंग्यू का हाथ पकड़ने जाता है कुंग्यू अपने हाथ से उसका हाथ अलग कर देता है, और जियाओ ची की लाए हुई डोली में जाकर वो बैठ जाती है और अपने सर्वेंट से कहकर वहां से चलने को बोलती है। और उसके बगल में खड़े सर्वेंट रोते हुए बोलते हैं कि यंग मिस की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है कि उनको जियाओ ची के जैसे इंसान के साथ शादी करनी पड़ रही है। और वहीं पे खड़ा ची अपने हाथ को देख रहा होता है जहाँ पर कुंग्यू के छूने की वजह से बर्फ जम गई थी,
और वहीं पे घड़ा सोच रहा होता है कि अभी मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ को छू नहीं सकता, और कुंग्यू को वहाँ से लेकर अपनी सिटी के लिए निकल जाता है और फैमिली में पहुँच कर एल्डर के पास जाकर उनको रिस्पेक्ट देता है। वहीं हमें जियाओ फैमिली के हेड का सीन दिखाया जाता है जो कुंग्यू को जियाओ ची के साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे होते हैं। और वहीं पे खड़ा प्रीस्ट उन दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट पे करने के लिए और एक दूसरे को बो डाउन करने के लिए बोलता है। और वहीं पे पीछे खड़े फैमिली के दूसरे डिसाइपल जियाओ ची को बुरा बुरा बोल रहे होते हैं, जिन लोगों की बात शियाओ सुन लेती है और उन लोगों के ऊपर गुस्सा करना चालू कर देती है। और एक डिसाइपल लिंग शियाओ के अगेंस्ट में बोलता है, कुंग्यू एक टैलेंटेड जीनियस है, उसको जियाओ ची के साथ नहीं होना चाहिए था, और तुम कैसे जियाओ ची के जैसे कचरे को कुंग्यू के साथ कंपेयर कर सकती। और वहीं पे पीछे बैठे एल्डर जियाओ ची का भी मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। और वहीं पे हेड के बगल में बैठे ग्रैंड एल्डर अपनी सीट से उठते हैं और जियाओ ची के ग्रैंड फादर को इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ पाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और सेकंड एल्डर उनकी बात काटते हुए बोलते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जियाओ ची की लाइफ ब्लेस्ड है। और जियाओ ची के ग्रैंडफादर एल्डर को थैंक यू बोलते हैं और उनको बैठकर दो ड्रिंक और पीने के लिए बोलते हैं, पर ग्रैंड एल्डर उनको साफ साफ इनकार कर देते हैं और वहां से जाने के लिए बोलते हैं। और फैमिली हेड भी अपने काम के बहाने को बताकर बैंक्वेट को बीच में छोड़ के जाने लगते हैं। असल में बात तो ये थी कि कोई भी नहीं चाहता था कि कुंग्यू की शादी जियाओ ची से हो, और इसीलिए बैंक्वेट को बीच में छोड़ के सब जा रहे होते हैं क्योंकि फैमिली का कोई भी मेंबर कुंग्यू को जियाओ ची के साथ नहीं देखना चाहता। और फैमिली हेड के भी मुंह से यह बात सुनकर जियाओ ची के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सबको बस करने के लिए बोलते हैं, जिनकी बात सुनकर पूरे बैंक्वेट हॉल में सन्नाटा छा जाता है। और ग्रैंडफादर गुस्से में अपनी आंखें लाल करते हुए बोलते हैं, लगता है तुम लोगों की आंखों में मेरा डर और तुम लोगों के दिल में मेरी इज्जत मर चुकी है, इसलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। ये ची की वेडिंग बैंक्वेट है और तुम लोगों में से कोई भी इस वेडिंग बैंक्वेट को अटेंड करना नहीं चाहता। और आसपास के सबके लोगों के ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगते हैं, जिनके प्रेशर में आकर फैमिली हेड भी अपना आखिर में मुंह खोल देता है। ये सब कब तक चलेगा जियाओली, आखिर में एक ना एक दिन तुम अपने पोते का हाथ छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, और आखिर में तुम्हारे इस अपाहिज बेटे का ख्याल हमारी फैमिली को ही रखना पड़ेगा, जो हमारी फैमिली नहीं रखना चाहती। जिनकी बात सुनकर ग्रैंडपा भी चौंक जाते हैं और एक बार के लिए सोच में पड़ जाते हैं, पर तभी हेड और ग्रैंडपा की बहस में एक दादी आ जाती है और बोलती है, तुम लोग अपनी बहस बंद कर पहले इन दोनों को इनके रूम में छोड़ के आओ। और वहीं से सीन चेंज होकर जियाओ ची के रूम में आता है, जहां पर कुंग्यू और जियाओ ची चुपचाप बैठे होते हैं। और कुंग्यू कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए बोलती है, तुमको बुरा लग रहा है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को बुली किया जा रहा है। और कुंग्यू की बात सुनकर जियाओ ची भी थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और थोड़ी देर बाद टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, तुम्हारे सर पे जो फोनिक्स क्रोन है तुम उसको उतार दो, ये दिखने में बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है और तुम्हारी गर्दन में दर्द भी होने लगेगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा फेस देख सकता हूँ। जिसकी बात सुनकर कुंग्यू भी अपना क्रॉन उतार देती है और फाइनली हमें इस लड़की का फेस दिखाया जाता है, जिसको देखकर जियाओ ची भी एक बार के लिए फिसल जाता है और ब्लश करते हुए बोलता है, तुम सिटी की टॉप ब्यूटी कहलाने के लायक हो। जिसको देखकर कुंग्यू भी थोड़ा सा हैरान होकर बोलती है, तुमको तुम्हारे इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है और तुम अपने इमोशन को बहुत जल्दी चेंज भी कर सकते हो, और ऐसी क्वालिटी सिर्फ वॉरियर्स में होती है, तुम कुछ हम लोगों से छुपा रहे हो, जितनी रूमर्स तुम्हारी फैली है तुम उतने कमजोर भी नहीं लगते। और ची भी अपना नाटक करते हुए और हंसते हुए बोलता है, ये फैक्ट है कि मेरी प्रोफॉन वेन्स पैदाइशी डैमेज है और मेरी किस्मत में ही कमजोर बनकर रहना लिखा है, इसलिए मैं कुछ छुपाऊं या ना छुपाऊं यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर तभी कुंग्यू अपने हाथ में अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करती है और अटैक करने के लिए ची की तरफ बढ़ती है, और कुंग्यू को अपने तरफ अटैक करते देख जियाओ ची भी बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी कुंग्यू अपने अटैक में प्रोफाउंड की को कम करते हुए ची की चेस्ट पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ से अटैक करती है, जिसकी हिट की वजह से जियाओ ची के चेस्ट पर थोड़ी सी आइस जम जाती है, और थोड़ी देर बाद जियाओ ची की चेस्ट पे जमी बर्फ को कुंग्यू अपने पावर से तोड़ देती है और ची से बोलती है, तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स पैदाइशी डैमेज नहीं, उनको जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया गया है। जिसकी बात सुनकर ची भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कुंग्यू उसको बताती है, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि बचपन में तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स पे बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी जिसे समय रहते नहीं डिटेक्ट किया गया, इस वजह से तुम्हारी प्रोफाउंड मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गई हैं, पर इनका अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम्हारी प्रोफाउंड मेरिडियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और कोई चाहकर भी इसे हील नहीं कर सकता। जिसको सुनकर ची बोलता है, तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकती हो कि मेरी प्रोफाउंड मेरिडियंस कभी हील नहीं हो सकती, और कुंग्यू के आइस क्रिस्टल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कुंग्यू से पूछता है, तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से आई, और जहां तक मैं जानता हूँ पूरे अजूरे क्लाउड सिटी में कोई भी इस तरीके की आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करता। कुंग्यू उसको बताती है कि ये फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स है, और जिसका नाम सुनकर ची भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि कुंग्यू के मुंह से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल आर्ट का नाम सुनकर जियाओ ची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, तो यहीं से वीडियो की हमारी स्टार्टिंग होती है और जियाओ ची हमें बताती है फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल आर्ट फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस से बिलोंग करती है, और ये फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेक्ट है ब्लू वाइन एम्पायर का। और क्योंकि जियाओ ची की तरफ पीट करे ही करे बोलती है, तुम सही हो, ये फ्रोजन क्लाउड आर्ट।
और जहाँ तक रही इसकी बात, मेरे पापा और तुम्हारे अलावा इसको और कोई नहीं जानता। और मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए बताया क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो बोलने के लिए। थोड़ा सा निराश होकर ज़ियाओची से बताती है, बचपन में मुझे असैसिनेशन से बचाते हुए अंकल ज़ियाओ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद उन्हें असैसिन द्वारा मार दिया गया था। और ज़ियाओची की तरफ घूमते हुए बोलती है कि और जहाँ तक रही ये शादी, ये सच में तुम्हारे पापा का एहसान था और मुझे ज़रा सा भी पछतावा नहीं है कि मैंने तुमसे शादी की। और क्योंकि ची से बोलती है, अगर जो मैं सच में चाहूँ भी तभी भी तुम्हारी सच की वाइफ नहीं बन सकती, जिसको सुनकर ची भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर क्योंकि उसको बताती है कि गलत मत समझना और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सबकी तरह तुमको अपनी नीची नज़रों से देखती हूँ। और इसको बोलते हुए साथ साथ क्योंकि वो अपनी फ्रोजन एनर्जी भी रिलीज कर रही होती है, और उसकी एनर्जी रिलीज होते साथ ही ची के पैरों के तक आ जाती है। और क्योंकि को अपनी एनर्जी फिर से रिलीज करते देख ची बहुत ज्यादा डर जाता है। पर क्योंकि तभी हमें बताती है, जो फ्रोजन आर्ट है उसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपके पास फ्रोजन हर्ट होना चाहिए, और फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस सिर्फ और सिर्फ फीमेल डिसाइपल को एक्सेप्ट करता है, और वो अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा प्योर ही रहती हैं। मतलब कि जो फीमेल डिसाइपल फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल आर्ट की हैं, वो फीमेल डिसाइपल अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक विवाहित जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हैं। ठीक इसी वजह से मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, पर मैं तुमसे क्या पूरी जिंदगी में किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। जिसको सुनकर ची भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है। तभी कुंग्यू को बाहर से किसी की आवाज़ आती है, जिसकी बात सुनकर कुंग्यू अपनी पावर रिलीज करना बंद कर देती है। और बाहर से एक सर्वेंट की आवाज़ आती है, मास्टर ये सेरेमनी का समय हो गया है, आपको टोस्ट देने जाना है। दोस्तों टोस्ट एक तरीके की सेरेमनी होती है जहाँ पर सब लोग बैठ कर एक जगह पर अपनी वाइन पीक कर सेलिब्रेट करते हैं। और अगर जो आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। जिसकी बात सुनकर क्योंकि ची को रसम के लिए जाने के लिए बोलती है, और ची भी उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। और उसके रूम से बाहर निकलने के तुरंत बाद क्योंकि के सामने एक ब्लू कलर का ऑरा सर्कुलेट होने लगता है, और ठंडी ठंडी हवा के साथ वहां पर धुआं फैलना चालू हो जाता है। और हमें उस ब्लू ऑरा फॉग के अंदर एक लड़की की परछाई दिखाई, और धुंध पूरी तरीके से छटने के बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस से होती है, और इसका नाम चू यही ली है। और वहां पर आते साथ ही चू से बोलती है, क्योंकि जो तुमने चाहा था वो तुमने कर लिया है, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस वापस चलो। बात सुनकर क्योंकि येली को मास्टर बुलाती है और एक महीने की और मोहलत मांगती है, और बोलती है, प्लीज मास्टर मुझे एक महीने की मोहलत और दे दो, अगर जो मैं शादी के अगले दिन उसको छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर उसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि उसका यहाँ पर सब लोग मजाक उड़ाएं। की बात सुनकर येली भी मान जाती है और उसको रुकने की परमिशन दे देती है, और क्योंकि उसे बोलती है, मैंने तुम्हें शादी के परमिशन देके वैसे भी इतना बड़ा बकेड़ा पहले ही खड़ा कर दिया है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक महीने की और डिले कर रही हो, जहाँ मैंने इतना वेट किया वहाँ एक महीना और सही। जिसकी बात सुनकर क्योंकि येली को थैंक्स बोलती है, सो भाइयों तुम इस लड़की को अपने दिमाग में एक अच्छी तरीके से बैठा, क्योंकि ये लड़की इस स्टोरी की टर्निंग पॉइंट बनेगी। वीडियो पे आते हैं और क्योंकि उससे पूछती है, और मास्टर ची की मेरिडियंस को हील करने का कोई भी सच में तरीका नहीं। जिसकी बात सुनकर येली बोलती है, क्योंकि तुम्हारा दिल पानी की तरह साफ है, पर मुझे माफ करना, मैं अब की बार तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकती। जिसकी बात सुनकर क्योंकि वे बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। और यहीं पे सीन चेंज होता है और ची की वेडिंग बैंकेट पे आता है जहां पर सेरेमनी चालू थी, और वहीं पर ची ग्रैंड एल्डर को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। ग्रैंड एल्डर के सामने फैमिली हेड बैठे होते हैं, ची की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। भगवान पता नहीं इतने खूबसूरत फूल को एक कुत्ते की टट्टी पर पता नहीं क्यों उगा दिया। जिसकी बात सुनकर ची करता भी क्या, दांत पिसकर सिर्फ रह जाता है और बोलता है, और गुस्से में अपने मन में सोचता है, बुड्ढे खूसट, अगर जो पिछली लाइफ में मैंने अगर जो वेनम पिल्स का ज्यादा यूज ना किया होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तुमको इतना खतरनाक पॉइजन देता कि तुम तड़प तड़प कर यहीं पे मर जाते। पर तभी ची के सामने वाले टेबल पर कोई वाइन का घड़ा बैंग कर रख देता है। हमें युनलोंग की आवाज सुनाई पड़ती है और वो बोलता है, छोटे भाई चलो अपने बड़े भाई के साथ दो चार ड्रिंक भी लगा लो। और तभी ज़ियाओ ची हिचकिचाते हुए मना कर दे और बोलता है, माफ करना पर मैं पीने में इतना अच्छा नहीं हूँ। और ची को साफ साफ इनकार कर दे, ज़ियाओयन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़ियाओ ची के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारी जरा सा भी शर्म नहीं, हम यहाँ पर तुमको अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं और तुम हो कि साफ साफ हमें इनकार कैसे कर सकते हो, या यही है तुम्हारे संस्कार, लगता है तुम्हारी नजरों में हमारी इज्जत नहीं है। और ज़ियाओयन को इतना गुस्से में देख जिन भी मान जाता है और अपने हाथ की तरफ देखकर हंसता है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सब लोग वाइन पी पाकर वहीं पे पड़े, और हमें युनची का सीन दिखाया जाता है जो सही सलामत अपने हाथ में वाइन की बॉटल लेके वहां से सीढ़ियों से उतरकर जा रहा होता है। और वो बोलता है, ये गधे लोग मुझे नशे में करने की सोच रहे थे, इन्हें क्या पता मेरे पास स्काई पॉइजन पर्ल है। और हमें वेनम पिल की थोड़ी सी स्किल के बारे में बताता है, तो कंफ्यूज मत होना, वेनम पिल और स्काई पॉइजन पर एक ही हैं। तो ची हमें बताता है कि उसकी वेनम पिल में इतना स्पेस है कि वो पूरे ज़ियाओ मैनर को अपने अंदर रख ले।
और थोड़ी देर आगे चलने के बाद अपना सर आसपास घुमाकर देखने लगा और किसी को अपने पास ना पाकर वो अपने हाथ की तरफ देखता है। सबसे पहले मुझे सारी वाइन्स को बाहर निकाल देना चाहिए जो मैंने पीते वक्त स्टोर कर, तो बैंक्वेट में वाइन ना पीकर वो अपनी सारी वाइन स्टोर कर यहाँ पर बाहर फेंके दे रहा है। पर तभी पीछे से कुंग्यू के दोनों सर्वेंट उसको देख ले और उसको वाइन रिलीज करता देख गलत समझ बैठते हैं और ये यंग मास्टर यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं, इतना गंदा है, ये पब्लिक प्लेस में टॉयलेट कर रहे थे रात को। तभी ची के दिमाग में एक आइडिया आता और वो सोचता है अगर जो ऐसे ही मैं वापस जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, क्यों ना क्यूंग्यू को मेरी तरफ से एक सरप्राइज दिया जाए।